दिल नाउमीद तो नहीं, नाकामी तो है, लंबी है गम की शाम, पर शाम ही तो। 2021 का जो प्रीलिम्स था उसके बाद मैं सिविल दिल्ली में आके सजन सर से मिला था, और सजन सर मेरे सीनियर भी है, हम दोनों ने सेम इंस्टीट्यूट से मास्टर्स किया है। स्मैश मेंस में सर पहली बात तो इवैल्यूएशन काफी टाइमली था, समय पे मुझे इवैल्यूएट करने कॉपीज मिलती थी, उसको काफी माइक्रो लेवल पे सजेशंस आते थे, शायद वन टू वन डिस्कशन जो मेंटर्स के साथ हुए थे विद सजल सर या सुकन्या मैम से हुए थे, तो उन्होंने मुझे वो सजेशन को इम्प्रूव कैसे करने के लिए पाथवे क्लियरली डिफाइन करके दिया। वही था कि इम्प्रूवमेंट का जो पाथवे है वो मेंटरशिप से मुझे मिला, एंड ऑल्सो तो मॉडल आंसर्स अच्छे थे, मॉडल आंसर्स में काफी पर्सपेक्टिव थे जो आप डायरेक्टली रेप्लीकेट कर पाते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, जो बेस्ट कॉपीज है जैसे स्मैश प्रोग्राम में जो बाकी स्टूडेंट जो टेस्ट लिख रहे थे उनके कॉपीज भी हमें एक्सेसिबल थे। सजल सर के साथ तो मेरी एक पेपर के बाद घंटों, मतलब एक एक दो दो घंटे भी हमने एक पेपर के बाद डिस्कस किया है। ऑल्सो सुकन्या मैम से GS4 के नॉट जस्ट पेपर्स के बाद, लेकिन इवन बिफोर माई GS जो पेपर्स थे उसके पहले भी सुकन्या मैम से मेरे काफी डिस्कशन हुए हैं, जिन्होंने जिस वक्त उन्होंने काफी इनसाइट्स बताए थे। कहते हैं कि डैड से एक रियलिस्टिक अप्रोच मिलती है, मॉम से एक आइडियलिस्टिक अप्रोच मिलती है, तो आपके सिचुएशन में हु वाज द रियलिस्टिक, हु वाज द आइडियलिस्टिक? दोस्त, सच्चा दोस्त वही होता है जो कि अपने दोस्त की सारी परेशानियों को समझे, उसका साथ दे। पार्टीज तो बहुत होती रहेंगी। रोहन कदम 2017 में और रोहन कदम 2022 में क्या फर्क महसूस करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? आउट ऑफ 4 इंक्लूडिंग एसे वाज योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया वेयर यू हैव ग्रेट होल्ड? एक काफी अच्छी गजल है, लोग ये नहीं देखते कि कितनी है रियाजत किसी की, लोग आसान समझते हैं आसान। तो कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो? 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू वन टू वन विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। दीज रैंकर विल प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड पर्सनलाइज प्लान फॉर यू। ये टॉपर्स आपको एक्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। दे विल गाइड यू इन आंसर राइटिंग, मॉक्स एंड एक्सेसिंग देम। डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट मेंटर्ड बाय अ रैंकर। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका होस्ट, मेंटर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड एट सिविल्स दिल्ली, स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स टॉक विद सिड इस सीरीज के नए वीडियो में। तो दिस स्टोरी इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉमन एंड वेरी जेन्युइन स्टोरी ऑफ दिस टॉपर, जिसकी वजह से आपने वीडियो थंबनेल देख के इस वीडियो को क्लिक किया है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। So the story and the journey of our topper is actually very common. ये सबकी journey है, basically ये किसी एक आदमी की journey नहीं है, this is not an exception कि कुछ बहुत ही अलग कर दिया, कुछ बहुत सा different माहौल था। ये बहुत ही common story है, but what is different in it, we will going to talk about that. So UPSC के जो topper हैं और civils daily के जो topper हैं, रोहन जिनका आपने post देखा है, He has stayed with UPSC from the past 5 years. बहुत मुश्किल होता है इतने इंडिया के सबसे टफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ 5 साल गुजारना। It's challenging, it's tough. रोज उसी किताब को लेके बैठो और हर बार जब अटेम्प्ट ना क्लियर हो, जब मेंस ना क्लियर हो, एंड यू एंड अप रीडिंग द सेम बुक 13, 20, 50 टाइम्स, हाउ टू स्टे अवे, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम द बोर्डम, हाउ टू stay away from procrastination, how to defeat these anxiety, how to quit this stress, we are going to talk about in this video. So stay tuned, video ke ant tak rahiyega, ek strong message hai aap sabke liye, and this is a commoner example, this is a generalist example for everybody. So ladies and gentlemen, please welcome All India Rank 295 UPSC CSE 2021 topper Mr. Rohan Kadam. Thank you so much, Rohan. Yes, thank sir. You. Thank you, sir. Thank you so much for your time, yaar. Thank you, sir. अभी कैसे हैं आप? How are you feeling? List में नाम आया था तो क्या महसूस हुआ? Sir, काफी सही लग रहा है, मतलब parents खुश है, दोस्त खुश है, सब खुश है, तो सही लग रहा है। ये result आपने जो PDF था कैसे सर्च किया था? Control F करके या फिर list में नाम देख रहे थे? नहीं सर, Control F करके ही नाम देखा था। Fortunately, इस बार नाम फाइनल लिस्ट में था। राइट।
तो नाम नाम से किया था या रोल नंबर से किया था? सर पहले नाम से किया था, फिर कई बार ऐसा होता है कि दो नाम के बीच लोग होते हैं, सो फिर रोल नंबर भी चेक किया था, देन इट वाज शायद अप्रैल की अपनी टाइम लिस्ट में। राइट। अरे आई विल टेल यू रोहन समथिंग व्हिच इज, हमारे एक एस्पिरेंट के साथ ऐसा हुआ था, नाम देख के एंड ही गॉट लिटरली एक्साइटेड। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सेलिब्रेशन कर लिए लेकिन नहीं था उनका रोल नंबर, नहीं था वो। सो ये होता है, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू कि नाम से किया था या रोल नंबर से किया था। सो इट्स डेफिनेटली डबल चेक करना बहुत जरूरी है, एक नाम के कई लोग हो सकते हैं। सो ग्रेट, ये आपका फिफ्थ अटेम्प्ट था और पहली बार इंटरव्यू आपने फेस किया था, एंड 4-5 साल के शिद्दत और मेहनत के बाद ये मुकाम ये हासिल हुआ, द फिफ्थ अटेम्प्ट यू क्लियर्ड। यस सर। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लास्ट 4-5 years, हाउ डिड यू स्पेंड विथ यूपीएससी, हाउ वॉज दैट डे एंड नाइट विथ यूपीएससी, हाउ यू वर कैरिंग UPSC along with your friends, colleagues, parents and all the events which has been there. So, I think we shall start. Yes, sir. Great. So, dosto, Toppers Talk with Sid ka is episode mein once again phir se swagat hai. Aur hamara pehla question jo Rohan se ye hai ki, Rohan, for the first time you started preparing for 2017-2018 mein aapka prelims nahi nikla tha. ऐसा नहीं लगा कि यार आप छोड़ देना चाहिए, दो प्रीलिम्स तो हो ही गया था। सो व्हाट वर द मेजर सेटबैक यू रियलाइज्ड? बिल्कुल सेटबैक तो था, क्योंकि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैंने 2017 का फिल्म किया था, और 2017 में भी मेरा फिल्म नहीं हुआ था, 2018 में भी फिल्म नहीं हुआ था। देन आई रियलाइज्ड कि हम एग्जामिनेशन की जो डिमांड है वो ठीक से एड्रेस नहीं कर पा रहे, या ठीक से समझ नहीं पा रहे कि क्या डिमांड है इस एग्जामिनेशन का। सो अगेन आफ्टर 2018 मैंने काफी सीरियसली इस चीज को देखा, और एग्जामिनेशन के डिमांड्स को, फिर पास ईयर क्वेश्चंस को, फिर जो उस वक्त के जो टॉपर्स थे उनके एडवाइसेस को एक साथ मैंने जब एनालिसिस किया, तब मुझे समझ में आया कि ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, एंड दैट्स वेयर आई डिसाइडेड कि और एक अच्छे से अटेम्प्ट देना है। एंड उसके बाद 2019 में जो अटेम्प्ट मेरा था उसमें मैंने काफी सीरियसली प्रीलिम्स के टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे। आई अराउंड 120 टेस्ट मैंने प्रीलिम्स के दिए थे, तो उससे 120, यस सर, आई यूज्ड टू टारगेट 120 टू 130 टेस्ट बिफोर प्रीलिम्स, और आई यूज्ड टू गिव इट इन अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। ये चीज मैंने देखी थी कि बहुत बार एग्जामिनेशन का हॉल का भी एक प्रेशर रहता है, तो अगर उसको सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में देखता हो तो उसका एक अलग, मतलब एक अलग इम्प्रूवमेंट करने के लिए, स्कोर इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक फायदा होता है। सो आई ट्राइड दैट आल्सो, एंड फॉर्चुनेटली आई स्कोर्ड अराउंड 113 इन 2019 एंड देन 140 इन 2020। सो प्रीलिम्स वाज ये सही से एनालिसिस करने के वजह से ही मेरा इम्प्रूव हो गया। आपके आपके मार्क्स क्या थे रोहन 2017 में, 2018 में प्रीलिम्स के? सर इट वाज अराउंड 82 था 2017 में, और आई थिंक 83 था 2018 में। सो आई रियलाइज दैट आई एम नॉट एड्रेसिंग द डिमांड व्हेन आई, जब मुझे पता चला कि अपना स्कोर इतना अच्छा नहीं है, right. तो उसी वक्त मैंने सोचा कि प्रीलिम्स का अच्छे से तैयारी करना है, एंड देन माय स्कोर जंप फ्रॉम 83 टू 130 एंड 140 सबसिक्वेंट। 130 is a massive score यार, 130 is literally a massive score. तो ये क्या changes थे, किन parameters पे आपने काम किया था अपने second attempt के बाद? Sir, first thing, मैंने पहले दो attempt में past year questions को इतनी अहमियत नहीं दी थी, और जो basic sources है उसको भी इतनी अहमियत नहीं दी थी, तो उसके बाद मैंने past year questions को, और past year questions से क्या क्या probable areas आ सकते हैं, पूछ रहे हैं यूपीएससी, उसको मार्कडाउन किया, और उसके हिसाब से मैंने उसी चीजों पे फोकस करके ज्यादा पढ़ा। आगे रेफरेंस बुक्स जो थे वो काफी लिमिटेड रखे, और उसी बुक्स को ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करता रहा। ओके, सो यू मीन आपने 2019 में यू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, यू अंडरस्टूड, आपने पीवाईक्यूज काफी सॉल्व किए थे, आपने टेस्ट सीरीज काफी लगाई थी, एंड देन फोर्थ आपने एनालिसिस
बहुत अच्छे से किया था अपने प्रीवियस टू ईयर्स में, कहां मिस्टेक हुई थी, एंड देन साइमल्टेनियसली यू वॉच टॉपर्स टॉक्स एंड ऑल राइट? यस सर, इसके साथ साथ सर हर एक टेस्ट जो मॉक टेस्ट में लेकर आता घर पे उसका एनालिसिस मैंने काफी अच्छे से किया था। आई स्टिल हैव द एक्सेल शीट्स मेरे पास है जो की गवाह है कि मैंने हर एक टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया था। जस्ट करेक्ट और इनकरेक्ट नहीं देखना है, बट हर एक आंसर को मैंने क्या लॉजिक यूज करके मार्क किया था और उसका सही आंसर क्या निकला था। सो ये जब मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया तो इनहेरिटली मुझे ऐसे थोड़ा लॉजिक समझ में आया कि लॉजिकली डिड्यूस कैसे करना है, एलिमिनेट ऑप्शंस को कैसे करना है और सही आंसर तक कैसे पहुंचना है। क्योंकि अल्टीमेटली आप कितना भी सोर्सेज से कितना भी पढ़ लो तो आपको वहां पे जाके थोड़ा लॉजिक और एलिमिनेशन स्किल्स यूज करके ही आपको डिड्यूस करना है आंसर को। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट एंड मे बी द स्कोर वॉज मतलब स्कोर उसी के वजह से इम्प्रूव हुआ है मुझे लगता है। राइट, सो अभी रोहन यू डिस्कस्ड अबाउट एक्सेल शीट। I am not sure कि बहुत सारे लोग ऐसे maintain करते होंगे, but this is a very great way of analyzing your marks. So ये actual sheet में what were you doing? Separate subject wise करते थे या फिर holistically करते थे? क्या आपका parameters था उसमें? फिर मैंने ये चीज को तो जाना था कि prelims is all about कि आपको examination hall में 2 घंटे में कैसे आप perform करते हो। तो वो performance के काफी parameters है। One is the speed, second thing is accuracy, and third thing is whatever content you have and what common threads you find among those content. So, वो तीन parameters के हिसाब से मैंने मेरा Excel sheet बनाया था। उसपे मैं पहले तो date लिखता था, फिर test का जो code या जो भी test लिखता था उसका description रहता था, subject रहता था, और उसके बाद मैंने कितने correct किए, incorrect कितने किए और attempt कितने किए, वो था। जब आपके पास आपके जो आप टेस्ट लिखते हो उसका एट द एंड ऑफ द टेस्ट आप जब रिवीजन करने बैठते हो तब आपको एक खुद की एक्यूरेसी पता चलती है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और right. आपका एक्यूरेसी उसमें से करेक्ट कितने आते हैं, इनकरेक्ट कितने आते हैं। सो ये हर एक का डिफरेंट करता है और वो आपको फायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि एग्जाम हॉल में वो 2 घंटों में ये डिसीजन ले पाना कि मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं और मुझे कहाँ रोकना है, इसके लिए वो काफी इम्पोर्टेंट होता है। एंड आई रियलाइज कि मेरा जो हर एक टेस्ट में जो अटेम्प्ट्स का वो रहा है, अटेम्प्ट्स जितने मेरे रहा है उतना ही मेरे फाइनल एग्जाम में रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब आप इतने सारे टेस्ट देके एनालिसिस करते हो सो यूपीएससी एग्जाम हॉल में आपको लगता है कि एक और मॉक टेस्ट ही आप दे रहे हो, इतना रिलैक्स एटमोसफियर में आप वो दे सकते हो। सो दैट प्रैक्टिस की वजह से ही मुझे लगता है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में आसानी हो सकती है। हाँ, अरे वो एक कहावत है ना यार इंग्लिश में कि इफ़ यू वांट टू ब्लीड लेस इन द बैटल देन यू हैव टू प्रैक्टिस हियर एट योर होम, सो समथिंग लाइक दैट कि आपको वहाँ पे यार मतलब मेन बैटल के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। एंड द वे यू हैव सेड इट्स अमेजिंग यार, मतलब 120 इवन चलिए हम मान लेते हैं 80-100 टेस्ट भी अगर आपने एनालिसिस किया है सो उससे 1000% ये श्योर हो जाएगा कि इन विच एरिया you have stronghold and in which area you need more focus. Yes sir, as you rightly said, the more you sweat in practice. Sir, hume pata hai ki prelims usually May aur June mein hota hai, jo kai kafi summer aur kafi hot summer days hote hai. So, bahut baar aise bhi ho sakta hai ki aapke examination hall mein ek hi fan hai aur kai primary school ka classroom ho. So, wo bhi maine जो वो भी पॉसिबिलिटी मैंने सोच के रखी थी, इसलिए मैं कभी कभी एक फैन बिल्कुल ही बंद करके भी पेपर सॉल्व करता था प्रीलिम्स का। तो वो भी प्रैक्टिस मतलब एक पूरे एग्जाम एनवायरनमेंट में आप मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो आपको प्रेडिक्ट करके आप उसमें खुद को ढाल के जब एग्जाम देते हो तब वो प्रेशर आपको कम महसूस होता है एंड जो मिस्टेक्स जो आप नॉर्मली कमिट करते हो वो आप वहाँ पे नहीं कर पाते, जो प्रेशर के कारण आप जो मिस्टेक्स करते हो वो मिनिमाइज हो सकती है। उसमें एंड वो गर्मी का माहौल एंड देन बिकॉज अब आपको हर सिचुएशन के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी सर, अमेजिंग यार, आई मीन
ये जरूर डालूंगा मैं, एक अलग से क्लिप बना के ये जरूर जाएगा. सो बिकॉज रिजल्ट सिर्फ हमारे पढ़ाई पे डिपेंड हो ये नहीं हो सकता, देर आर मेनी अदर फैक्टर्स बिहाइंड इट. एंड आपने ये एनालाइज किया, सो आई एम लिटरली ग्लैड टू सी दैट योर एनालिसिस पार्ट इज लिटरली अमेजिंग. आप अपने लिए बहुत अच्छी एनालिसिस कर रहे हो. सर एनालिसिस का काफी अहमियत है क्योंकि आपके साथ बहुत बार ऐसे भी होता है कि कंटेंट सबका एक साथ ही मतलब सेम ही रहता है, सेम रिसोर्सेज सब यूज करते हैं. एग्जैक्टली. लेकिन उसमें से आपको बेटर, रिलेटिवली बेटर हमेशा रहना लगता है इस एग्जाम में, और उसके लिए आपके हर एक आंसर्स पे आपका एनालिसिस होना और वो एनालिसिस से आप इम्प्रूव करना हर एक मॉक टेस्ट में, वो भी काफी अहमियत है सर. एग्जैक्टली. Great. Thank you so much for answering this question in a very broad and detailed manner. वो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे आंसर डीप में जाएं हम, क्योंकि हम जब तक नीटी ग्रिटीज में नहीं जाएंगे आपके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को, आई थिंक वी वोंट बी एबल टू डिफाइन द प्रॉब्लम इन अ लार्ज मैनर. सो या आई एम थैंक यू सो मच रोहन फॉर एक्सप्लेनिंग इन वेरी इलैबोरेटिव मैनर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड यू वॉन्ट टू टेल अस अबाउट योर एडुकेशन क्वालिफिकेशन इन द बैकग्राउंड? थोड़ा पीछे चलते हैं. जी सर. सर मेरा, मैं मुंबई से हूँ और मेरा जो स्कूल एजुकेशन है वो पार्लेटिय विद्यालय मराठी मीडियम स्कूल से हुआ है. उसके बाद मैंने कॉलेज रामनारायण भुरिया कॉलेज जो मुंबई में है वहाँ से बीए इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. उसके बाद करंटली आई एम परसुइंग माय मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स जो पुणे में है. ओके. मतलब मराठी आप बोल लेते हो? जी सर. ठीक है, अभी हम थोड़ी थोड़ी देर रुक के थोड़ा सा एक फेवर लेंगे आपसे. जी सर. ग्रेट. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द पर्सनल बैकग्राउंड. एंड आपने आपने कहा कि आपका ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स था, सिंस यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, इज दैट द रीजन वो ऑप्शनल इकोनॉमिक्स वहीं से आया था? जी सर, मेरा ग्रेजुएशन का जो मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में रहा है और इकोनॉमिक्स में पहले से काफी इंटरेस्ट था, तो उसी की वजह से मैंने ऑप्शन चूज किया था एज इकोनॉमिक्स. ओके ओके. एंड 29, सो वी हैव ऑब्जर्व दैट 2019-2020 यू क्लियर्ड प्रीलिम्स ट्वाइस एंड अनफॉर्चुनेटली यू कुडंट मेक फॉर द इंटरव्यू, राइट? यस सर, मेंस मेरा नहीं क्लियर हुआ था. सो वो पहले दो में प्रीलिम्स नहीं हुआ, पहले फिर उसके बाद दो में मेंस क्लियर नहीं हुआ. सो व्हाट वर द सेटबैक्स? आपने फिर आपके एनालिसिस से व्हाट डिड यू केम आउट विद दिस रेजोल्यूशन कि यार यहाँ मिस्टेक है? सर जब मैंने प्रीलिम्स के लिए अच्छे से देखा था कि कहाँ कहाँ स्कोप है, तो प्रीलिम्स तो मेरा उसके बाद हमेशा क्लियर हुआ. लेकिन मेंस में सर जैसे मेरा ऑप्शनल की वजह से मेरा स्कोर ऑप्शनल में काफी कम आया था. right, तो 2019 में भी वो कम था, 2020 में भी कम था. इस साल मैं कह सकता हूँ कि वो एवरेज या एवरेज थोड़ा ज्यादा है. तो सर वही था मेन रीजन. और जीएस में सर मेरा स्कोर लगभग सिमिलर रहा है, ऐसे में इम्प्रूव हुआ है. ओके. आपके आपने कहा ऐसे में इम्प्रूव है, क्या हम ऐसे की स्ट्रेटजी जान सकते हैं आपकी क्या थी? जी सर. सर ऐसे में मैं पहले मार्क्स मेरे बताता हूँ. 2019 में आई गॉट 119 मार्क्स, उसके बाद मुझे 125 मार्क्स और दिस ईयर आई गॉट 131 मार्क्स. सो यू कैन सी द ग्राफ इज एन असेंडिंग ऑर्डर. सो ऐसे में सर फिलोसॉफिकल ऐसे के लिए थोड़ा प्रैक्टिस किया था क्योंकि पिछले साल से एक फिलोसॉफिकल ऐसे तो आ ही रहा था, इस बार तो दो फिलोसॉफिकल ऐसे आए थे. तो उसके लिए स्ट्रेटजी तो पहला ये था कि सर आपको आपके जो आइडियाज है वो काफी कोहेरेंट मैनर में आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना है, और वो प्रेजेंट करते वक्त आपको मैंने ऐसा ये चीज तो यूज की थी कि इट शुड नॉट बी लाइक अ फॉर्मल ऐसे बट मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग विद आवर एग्जामिनर. So this point I deliberately मैंने ऐसे कुछ करेक्टर सो या मेरे ऐसे के जो फ्लो एक बनने के लिए मैंने कुछ चीजें यूज की थी, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड. ये ऐसा हमारा तीन पिलर्स तीन या सो उसमें
जैसे इंट्रोडक्शन से आप मेन बॉडी तक जाते हो तब आप कुछ कनेक्टर्स यूज कर सकते हो, जैसे आई यूज टू एड वन लाइन दैट लेट अस डाइव इनटू दिस, और ऐसे कनेक्टर से ऐसे लगता है कि आप एक आइडियाज एक कोहेरेंट मैनर में आप डाल रहे हो। और कई बार ऐसे भी होता है कि बहुत सारी आइडियाज होती है आपके दिमाग में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अगर एक एक आइडिया आपको पिक करते हैं, एक एग्जाम्पल आप पिक करते हो और उसको वो स्टेटमेंट के साथ हमेशा एक रिलेट करके बता पाते हो कि ये है उसका स्टेटमेंट और ये है उसका एग्जाम्पल, तो वो काफी आसान होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो स्टेटमेंट को ही आपको पहले एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपका जो थॉट है वो स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आपका जो इंटरप्रिटेशन है, आपका जो पर्सपेक्टिव है, वो पहले ही एग्जामिनर को दिखा देते हैं। सो दैट अगेन हेल्प्स कि एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि दिस पर्सन हैज सम क्लैरिटी एंड ही हैज इंटरप्रिटेड दिस बिट टफ डिफिकल्ट फिलोसॉफिकल टॉपिक वेरी राइटली। So that helps. And subsequently आप examples को link up करते हो और conclusion में कोई positive note पे आप end करते हो। If I tried to gather various anecdotes, मैं observe करता था चीजें, उससे मैं लिखता था और वो चीजें मैं present करता था। Right. So इसमें रोहन, we have heard of topper saying and since I also mentor students, time मिलता है तो हम थोड़ा पढ़ाते भी हैं, mentor भी करते हैं। So ऐसे में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जैसे कि विमेन्स इश्यू, पब्लिक हेल्थ, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, राइट, थोड़ा सा हम टेक भी ले सकते हैं, बट दीज थ्री एरियाज आर प्रीडोमिनेंटली, ये रहेगा ही रहेगा, देयर विल बी क्वेश्चंस इन एसे। सो आपकी एनालिसिस में ये भी था पार्ट? यस सर, जैसे आपने कहा कि ये टॉपिक्स और ये एरियाज हमेशा से इस पे मतलब ऐसे के टॉपिक्स आ रहे, तो वो तो उस पे तो एक बेसिक कंटेंट तो सबको सबके पास रहना सही रहेगा, क्योंकि इवन दो डायरेक्टली वो उस एरिया से क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी यू कैन रिलेट विद दैट कि ये एग्जांपल में आप डाल सकते हैं। व्हेनेवर यू गेट फिलोसॉफिकल टॉपिक्स, अगर आपके पास गूगल इश्यूज के बारे में भी एक पर्सपेक्टिव है और वो आप वो ऐसे के टॉपिक से रिलेट कर पा रहे हो, देन अगेन दैट हेल्प्स कि आपको एक वो एडिशनल पॉइंट मिलता है। और ऑल्सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू शो टू द एग्जामिनर कि आपके वैल्यू सेट्स क्या है, आपके पर्सपेक्टिव क्या है, आप सोचते कैसे हो, वेदर यू आर लॉजिकली आप डिड्यूस करके वो आपके आंसर पे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। सो ये सारी चीजें मतलब हेल्प होती है और एक ऑर्डर भी आपका राइट। थैंक यू सो मच, ये बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव था आपका, यू हैव टोल्ड अस अबाउट हाउ टू राइट एन एसे बेसिकली। So, thank you so much for elaborating this. Amazing. Maza aa gaya isko sunke. And I, of course, ye insights jo hai, because this insights has come from lots of research and lots of analysis. So, yes, I'm sure it will definitely help at least agar ek banda bhi, ek aspirant bhi successful ho jayega na. So, mujhe bahut contentment feel hoga. And I think aapko bhi. Yes. Great. Thank you so much. So, moving forward, since you said, आपने मेन फोकस किया था जीएस वन में, ऐसे में फोकस किया था आपने, और ऑफकोर्स ऑप्शनल तो रहेगा ही रहेगा। सो आउट ऑफ ऑल द मेन्स पेपर, हम अगर ऑप्शनल को साइड में कर दें, विच आउट ऑफ फोर इंक्लूडिंग ऐसे वॉज योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया वेयर यू हैव ग्रेट होल्ड? जीएस टू और जीएस फोर इसमें मेरा स्कोर भी अच्छा ठीक रहा है वैसे, और वो मुझे पढ़ने में आंसर लिखने में एक मजा आता है। सो दैट इज सब। जीएस 4 का क्या स्कोर था आपका? सर जीएस 4 लास्ट ईयर आई स्कोर 108 एंड दिस ईयर माय स्कोर इज 100, सो दिस ईयर स्लाइटली रिड्यूस हुआ, बट दिस इज एन एवरेज स्कोर ऑफ जीएस 4। आई मीन लोगों का 90 92 93 इतना ही रहता है, आई मीन दिस इज एन एवरेज स्कोर, बट this is a decent score what you have get. Of course last year 108 was a good score, this is a decent score, 100 is decent. So what was your strategy for GS4, because students jo hain wo last mein padhte hain GS4? Sir, GS4 ek काफी important aur काफी interesting aisa subject hai, kyunki wahan pe aapko scope hai ki aapke jo thoughts hai wo aap
कोहेरेंट वे में आप लिख सकते हो, आपके जो वैल्यू स्ट्रक्चर है उसकी एक इनसाइट आप एग्जामिनर को दे सकते हो. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर. एंड स्ट्रैटेजी वाइज तो पहली तो यह है कि आपके पास एक बेसिक बेसिक कंटेंट होना चाहिए, आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए, आपको जो पूछा गया है उसके बारे में आपका खुद का एक थॉट होना चाहिए. लाइक वी हैव सीन इन द पास्ट ऑल्सो दैट क्वेश्चन दे आस्क आर वेरी सिंपल. What is integrity? What is happiness? So they are not asking very complex questions in first section, but they are asking very simple questions. और वो आपकी plain thoughts उसको जानना चाहते हैं कि आप किस नजरिए से चीजों को देख रहे हो. अगर उसमें आपके खुद के examples हो तो again that helps कि आपको आपके answers में एक genuineness दिखता है और आप काफी clarity से आप answer लिख पाते हो. सेकेंड थिंग इज अबाउट द केस स्टडीज. केस स्टडीज में सर मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी फॉर्मेट्स है जो आप अलग अलग फॉर्मेट से केस स्टडीज को लिख सकते हो, बट अल्टीमेटली यही है कि हाउ योर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इज एट टेस्ट. तो मुझे वही लगता है कि आप डिसीजन लेने से पहले उस डिसीजन को किस तरीके से आप उस डिसीजन तक पहुँचते हो, दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट. एंड वो आपको प्रेजेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी है केस स्टडी में. तो उसके साथ साथ आप सटली आपके वैल्यू स्ट्रक्चर्स को दिखा सकते हो कि आई यूज दिस स्ट्रेटजी बिकॉज माय वैल्यू स्ट्रक्चर इज दिस. तो वो काफ़ी आसानी से आप वहाँ पे पोर्ट्रेट कर सकते हो. और एक चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हमेशा ये होता है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी जो केस स्टडीज होता है उस पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है टाइम को, वो काफ़ी समस्या होती है. इसीलिए स्टिक्स में पर्टिकुलरली काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेपर रह जाता है. तो उसमें अगेन प्रैक्टिस करने से सही होगा. आई रोट फोर टेस्ट एट सिविल डेली एंड मुझे ऐसे लगा कि पहले मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशंस यूज़ किए टाइम मैनेजमेंट के. फर्स्ट आई यूज टू राइट सेक्शन ए, देन आई ट्राइड सेक्शन बी राइटिंग फर्स्ट, देन कुछ मिक्स करता था. उसके बाद मुझे एक ऑप्टिमल मेरा स्ट्रैटेजी समझा कि मैं अगर 5 सेक्शन ए के पहले करता हूँ, फिर केस स्टडी पे जंप करता हूँ और बाद में आके वापस सेक्शन ए के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, देन वो मुझे मेरे लिए सही हो रहा है. जब आई एम एड्रेसिंग गिविंग जस्टिस टू केस स्टडीज आल्सो एंड सेक्शन ए क्वेश्चन सॉल्व, सो दैट रियली हेल्प मी. ये कॉम्बिनेशंस आपको खुद को प्रैक्टिस करके देखना है कि आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट आपका हो रहा है. एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे जीएस फोर में ऐसे लगती है कि वो सिंप्लिसिटी है. काफ़ी आपके थॉट्स काफ़ी सिंपल होने चाहिए, काफ़ी लूसिड वे से आपका प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके एग्जामिनर को वो समझेगा. और ये जब बहुत बार एथिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कोट्स आते हैं, कोट्स को आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो उस वक्त सर काफ़ी सिंपल वे में जब आप लिखते हो एग्जाम्पल के साथ आपको वो पॉइंट आपके आर्गूमेंट प्रूव करते हो, तो वो अब वो आई थिंक मुझे लगता है कि स्कोर ज़्यादा फर्ज करता है. दिस ईयर आई रियलाइज कि सिंप्लिसिटी में थोड़ा और मैं सिंपल हो सकता था, और उसके लिए सिंप्लिसिटी अगेन वही प्रैक्टिस से ही आती है. एक काफ़ी अच्छी गजल है कि लोग ये नहीं देखते कि कितनी है रियाजत किसी की, लोग आसान समझते हैं आसान. सो दैट इज समथिंग विच प्रैक्टिस विल मेक यू मोर सिंपलर आंसर और उससे नॉट ज़्यादा आ सकते. ग्रेट, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच रोहन फॉर आंसरिंग दिस पार्ट इन टू वेरी वेरी डिटेल. क्योंकि ये जीएस फोर हम लोग भी जब प्रिपरेशन करते थे, इनफैक्ट हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा लास्ट में रखते हैं कि यार आई विल स्टडी जीएस फोर इन द एंड बिकॉज ऑप्शनल इज इम्पॉर्टेंट, एसे इज इम्पॉर्टेंट, 1-3 इज इम्पॉर्टेंट, जीएस फोर हम बाद में कर लेंगे, इंटेग्रिटी का मतलब ही तो पूछेंगे ना, लिख देंगे. सो एंड आई थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस इन टू डिटेल कि दे वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड योर ओपिनियन, not the bookish yes. opinion. They wanted yes. to understand, have you figured out integrity in your life? Have you faced empathy or emotional intelligence in your life? I think personal experience bhi aap mention kar sakte ho. जी सर, सर जैसे इस बार भी क्वेश्चन पेपर में पहले 2 क्वेश्चन थे वो सीधा सीधे राइट 10 वैल्यूज अबाउट सिविल सर्विस एंड उसके बाद 5 कुछ और वैल्यूज पूछे थे. तो इससे एक सटली चीज उन्होंने मेंशन की थी, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर वैल्यू. जब वो पूछे कि एन्यूमरेट 10 वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट या एन्यूमरेट 10-5 एथिकल प्रिंसिपल्स, तो उसमें सर आपका जो ऑर्डर है, आप वैल्यूज को कैसे ऑर्डर वे में लिखते हो, वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. वो इन अ वे उनको इनडायरेक्टली वो बताता है कि यू वैल्यू दिस वैल्यू फर्स्ट एंड प्रायोरिटाइज, योर प्रायोरिटी इज अबाउट योर वैल्यू.
So that is again an important and subtle thing which I observed from the exam. And I think that answer will leave an impression on the exam. Yes, yes. Because even in the administration, people face this difficulty ki kaun se value ko kaun kahan upar rakhna hai ya do values mein ek value kab choose karna hai. So again, when you prioritize in a way aapka value structure, to वो काफी आसानी से मतलब आपको आप लिख सकते हो और वो थॉट एक क्लैरिटी से एग्जामिनर के पास पहुंचा सकते हो. ग्रेट, थैंक यू सो मच. अच्छा, मतलब मजा आ रहा है डिस्कशन करने में आपके साथ. थैंक यू, बहुत ही डिटेल में आप बता रहे हो, सो वी कैन टोटली रिलेट. बातें आ रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दी अमेजिंग इनक्रेडिबल जर्नी यू हैड एक्सपीरियंस. बहुत मुश्किल होता है यार 5 साल तक निभाना किसी भी एक चीज के साथ, ठीक है. सो आपने हमने अभी मेंस के बारे में जिक्र किया था, सिविल्स दिल्ली के बारे में जिक्र किया था. सो व्हेन डिड यू कम अक्रॉस विद सिविल्स दिल्ली, कब मुलाकात हुई थी? आफ्टर माय ट्वीट 2021 का जो प्रीलिम्स था, उसके बाद मैं सिविल्स दिल्ली में आके सजन सर से मिला था. और सजन सर मेरे सीनियर भी है, हम दोनों ने सेम इंस्टीट्यूट से मास्टर्स किया है. सो दैट वाज अ आई मीन कनेक्शन. यस. Okay, so how did Smash Mains help you to score good in this exam and help you to crack this exam? Sir, Smash Mains ka Smash Mains mein sir pehli baat to evaluation काफी timely था. समय पे मुझे evaluate करने copies मिलती थी, उसपे काफी micro level पे suggestions आते थे. और वो suggestions पे usually ये होता है कि suggestions तो आपको मिलते हैं, लेकिन वो suggestion को लेके improve कैसे करना है, ये जो पाथवे होता है वो शायद वन टू वन डिस्कशन जो मेंटर्स के साथ हुए थे, वेट सजल सर या सुकन्या मैम से हुए थे, तो उन्होंने मुझे वो सजेशन को इम्प्रूव कैसे करने के लिए पाथवे क्लियरली डिफाइन करके दिया. एंड इवन इन माय मैथ टेस्ट सीरीज में जो मैंने पहले टेस्ट लिखे थे उसमें मेरा स्कोर काफ़ी कम आता था, लेकिन जो लास्ट में मैंने टेस्ट लिखे थे उसमें स्कोर मेरा धीरे धीरे बढ़ते गया था. सो वही था कि इम्प्रूवमेंट का जो पाथवे है वो मेंटरशिप से नजर. And also the model answers अच्छे थे. Model answers में काफी perspectives थे जो आप directly replicate कर पाते थे. Apart from that, sir, जो best copies हैं, जैसे Smash program में जो बाकी students जो test लिख रहे थे, उनके copies भी हमें accessible थे. तो वो best copies से आप एक relative scale पे compare कर सकते थे कि आपके answers और दूसरे लोगों के answers कैसे हैं. So again, that was a very helpful initiative. And Smash program से मुझे काफी ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और मैंने सुना है सजल सर तो मतलब आधे आधे घंटे फोन पे भी बात करते थे. बहुत सारे टॉपर्स हैं मतलब जिन्होंने डिस्क्राइब किया है कि आधे आधे घंटे. आपके साथ कभी ऐसा हुआ? जी सर, सजल सर और सुकन्या मैम दोनों की काफी इन्वॉल्वमेंट रहती थी. हर एक पेपर को वो पहले समझते थे, हमारे आंसर्स को हमसे ज्यादा शायद वो पढ़ के उसके एनालिसिस करने में जुटते थे. और उसके बाद वो एक क्लियर इंसाइट देते थे कि ये चीज कमी है और ये चीज पे इम्प्रूव हो सकता है. सो सजल सर के साथ तो मेरी एक पेपर के बाद घंटों मतलब एक एक दो घंटे भी हमने एक पेपर के बाद डिस्कस किया है. सुकन्या मैम से GS4 के नॉट जस्ट पेपर्स के बाद, लेकिन इवन बिफोर माय GS जो पेपर्स थे उसके पहले भी सुकन्या मैम से मेरे काफी डिस्कशन हुए हैं, जिन्होंने जिस वक्त उन्होंने काफी इंसाइट्स बताए थे कि ये आप कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, ऑर्डरली मैनर में आप आपके आंसर्स प्रेजेंट करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कलेक्टिव एफर्ट था और कलेक्टिव एफर्ट के कारण ही शायद मेरा मेन है Right. Thank you so much for sharing the insight Smash Mains ke bare mein and then Smash Ethics ke bare mein. Abhi to hum academics aur thoda career wise humne questions thode se pooch liye hain. So we'll talk about something which goes here and here. Okay. So 2017 se leke 2021 tak You were preparing for full time. आप वो एक रहता है यार कि मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊं,
नौकरी वोकरी कर लेता हूँ, पापा मम्मी को थोड़ा सा आराम हो जाता है तो फिर दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जहन में, मन में कभी ऐसा नहीं आया कि आई थिंक जॉब कर लेते हैं और फिर बात देखते हैं बाद में, या जॉब के साथ फिर करते हैं? सर मैं ग्रेजुएशन के बाद प्रिपेयर करना शुरू किया और तब एग्जाम दिया, बट मैंने मास्टर्स भी साथ साथ साइमल्टेनियसली मैं कर रहा था। आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माय मास्टर्स एंट्रेंस आफ्टर माय 2018 अटेम्प्ट, देन आई गॉट एनरोल्ड इनटू अ मास्टर्स कोर्स व्हिच वाज अ फुल टाइम कोर्स। सो आई वाज मुझे थोड़ा चैलेंज था कि दोनों चीजें कैसे बैलेंस की जा सकती है, बट ये भी थॉट था कि अगर ये नहीं होता है तो कैसा होगा, क्या करेंगे। तो शायद मैंने एक स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, वो थी ऐसी स्ट्रैटेजी थी कि मैं विजुलाइज करता था कि एट दी एज ऑफ 35 मैं मुझे कहाँ देखता हूँ, एट दी एज ऑफ 45 मैं खुद को कहाँ देखता हूँ। तो मेरा ऐसा एग्जाम स्पेसिफिक टारगेट तो रहते ही थे, बट ऐसे लाइफ स्पेसिफिक भी कुछ टारगेट मैंने खुद से बनाए थे कि ये मुझे पाना है, और वो हिसाब से मैंने मेरा जो करियर पाथवे था वो स्ट्रेटेजाइज किया था। हालांकि मैंने मास्टर्स भी मैं इसीलिए कर रहा था कि अगर ये नहीं होता है तो इट विल बी एक्ट एज अ प्लान बी फॉर मी, और इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट तो था ही पहले से, तो प्लेसमेंट वगैरह में मैं ट्राई कर सकता था, इसलिए मैं मास्टर्स कर रहा था। और ये बात तो रहती है कि इफ यू कुड सपोर्ट आवर फैमिली ड्यूरिंग, मतलब ये एज भी ऐसा होता है, यूथ रहता है, जब आपकी पूरी एनर्जीज आपके साथ होती है तो आपको लगता है कि एक एग्जाम के पीछे लगने से अच्छा है कि यू डिस्ट्रीब्यूट योर एनर्जीज इन अ राइट वे सो दैट आपका एक लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव बन जाए। तो उसी के हिसाब से मैंने मास्टर्स भी कर रहा था, साथ साथ प्लेसमेंट को भी मैं अपीयर हुआ था इनिशियली, लेकिन जब मेरा रिटन का रिजल्ट आ गया मेन्स का, तब मैंने वहाँ पे सिविल सर्विसेज में जाना ज्यादा पसंद किया। बट बैक ऑफ द माइंड तो ये था कि नौकरी तो मिल जाएगी, कॉर्पोरेट में हो या कोई भी हो, नौकरी तो मिल जाएगी, और वो थॉट जो था मैं रेजोनेट कर पाया मेरे पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे ऐसा लगता है एक टू वे प्रोसेस होता है, जब आपको वो देखते हैं कि आप काफ़ी लगन से एक चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उनको भी एक कॉन्फिडेंस देता है कि आज नहीं हुआ है लेकिन आज इसके पीछे अगर हम खड़े रहते हैं तो कभी ना कभी तो ये एग्जाम निकाल लेते। तो वो सपोर्ट एक टू वे प्रोसेस होता है, एंड वेन यू रिफ्लेक्ट दैट तो वो जब उन्हें रेजोनेट होता है तो वो एक अनकंडीशनली आपके पीछे आपको सपोर्ट देते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो भी एक काफ़ी अहम चीज़ है जैसे। राइट, थैंक यू सो मच फॉर ये थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन होता है, थोड़ा टफ होता है, बट जितनी सादगी से, जितनी अच्छे तरीके से आपने बात की है, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू फॉर दैट। सो रोहन, वैसे मॉम डैड जो कि वर्किंग थे, डैड आपके अब रिटायर हो चुके हैं, मॉम शी इज ऑलरेडी वर्किंग, सो वो एक पर्सपेक्टिव क्या मिलता था? कहते हैं कि डैड से एक रियलिस्टिक अप्रोच मिलती है, मॉम से एक आइडियलिस्टिक अप्रोच मिलती है, तो आपके सिचुएशन में हु वॉज द रियलिस्टिक, हु वॉज द आइडियलिस्टिक? I can say it was blend of both. कभी-कभी पापा कभी-कभी idealistic बताते थे कि नहीं नहीं होगा ही, मुझे भी महसूस होता था, तब mom used to give some realistic dimensions to it कि नहीं आपको मेहनत भी करना है, तो it was a blend for me and उनका support तो हमेशा रहा, और उसके beyond मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू में मतलब मेरे रिटन टेस्ट के बाद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आपके रिटन के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू को आप कैसे प्रेजेंट करते हो, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि हर एक स्टैंड को एक, जैसे आपने कहा, आइडियलिस्ट और एक रियलिस्ट स्टैंड में आपको डिवाइड करना होता है आपके थॉट्स को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सपेक्टिव मुझे पेरेंट्स के साथ डिस्कशन के बाद मिली कि हम आइडियल है या प्रैक्टिकल है, या आइडियल टू प्रैक्टिकल मैट्रिक्स पे हम एग्जैक्टली कहाँ हैं, क्योंकि यही चीज रिफ्लेक्ट होगी आपके स्टैंड पे, और अगर मान लो कि आप प्रैक्टिकल हो और काफी आइडियल बातें करते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो कोहेरेंस ब्रीच हो जाएगा। सो अगेन दैट हेल्प मी थ्रू आउट द वे कि उनके साथ डिस्कशन करके उनके साथ एक एनर्जीज को मुझे मिलती ही थी, बट खुद के भी पर्सपेक्टिव को फॉर्म करने में मदद मिलती थी, एंड इट वॉज लाइक आई सेड अर्लियर कि इट वॉज अ ग्रेट ब्लेंड ऑफ आइडियलिस्ट एंड प्रैक्टिकल थिंग्स व्हिच हेल्प मी टू कीप नॉट ओनली जस्ट मोटिवेटेड बट to have a right and practical approach to clear this exam. Great. Thank you so much for answering it.
वैसे दोस्तों वगैरह से कुछ था, दोस्त सोशल लाइफ एक्टिव थी या फिर पूरा दरवाजा बंद और एक सॉलिड में पड़े हुए हैं अलग से अकेले? सोशल लाइफ तो वैसे वी कैन से काफी हद तक टर्न ऑफ ही थी, क्योंकि मैं बहुत बार जैसे काफी मेरे एग्जाम्स के उसके प्रिविजन में या उसके प्रिपरेशन में लगा रहता था, बट जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो मैं दोस्तों से बातें तो मिलता था, बातें करता था। उसे भी एक सुकून मिलता है कि आपको भी लगता है कि आप बस अकेले नहीं हो इस जर्नी में, आपको एक सपोर्ट भी मिलता है उनके पास से। सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील कि अभी थोड़ा पढ़ाई हुआ है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ ले तो अब दोस्तों से बातें करते हैं, तो दोस्तों से मैं बातें करता था एंड दे वर रेडी टू सपोर्ट मी एट दैट टाइम ऑल्सो। और जब भी हमारे एग्जाम्स भी ऐसे होते हैं कि प्रीलिम्स के बाद तुरंत मेंस आता है, तो वो टाइम में आपको पूरा फोकस पढ़ाई पे करना पड़ता है, लेकिन मेंस के बाद यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि मेंस के बाद आपके पास थोड़ा फ्री टाइम होता है। देन आई यूज्ड टू मीट फ्रेंड्स व्हेन आफ्टर द माय मेंस टेस्ट, और इंटरव्यू के वक्त भी मैं मतलब इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दौरान भी दोस्तों से काफ़ी बातें करता था, थोड़े क्वेश्चन में डिस्कस करता था, क्योंकि अल्टीमेटली योर पर्सनैलिटी नॉट जस्ट यू बट आपके जो फ्रेंड्स है, आपका जो सराउंडिंग है, आपका जो पूरा इकोसिस्टम है, वो आपको डिफाइन करता है। सो अगेन दैट काइंड ऑफ बैलेंस ऑफ सोशल लाइफ हेल्प मी टू प्रिपेयर वेल एंड कीप मोटिवेटेड थ्रू आउट दिस जर्नी। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं यार, दे अंडरस्टैंड यू। एक वो दोस्त होते हैं जो सिर्फ पार्टी करते हैं, पार्टी करने चलते हैं यार। दोस्त सच्चा दोस्त वही होता है जो कि अपने दोस्त की सारी परेशानियों को समझे, उसका साथ दे। पार्टीज तो बहुत होती रहेंगी। सो अच्छा लगा ये जान के कि आपकी फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छी है और सबको ऐसा फ्रेंड मिले जो कि एक दूसरे को समझे। एंड आई थिंक बेस्ड ऑन देयर मोटिवेशन इंस्पिरेशन उनका भी उसमें से आपके सक्सेस में कहीं ना कहीं पार्ट है। जी सर, बिल्कुल सर। ग्रेट। आप वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट समथिंग अबाउट योर ब्लॉग? यस सर। सर ब्लॉग में मतलब जब से कॉलेज में था तब से मैं थोड़ा ब्लॉग लिखता था। उसमें सर मैं शुरू में मराठी में लिखता था, क्योंकि मुझे वो था कि जो चीज़ें मैं मतलब इकोनॉमी रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ रहा हूँ वो काफ़ी आसान भाषा में मराठी में अवेलेबल होनी चाहिए। तो आई यूज टू राइट इन मराठी ऑल्सो। देन आई एम नाउ आई एम ट्राइंग टू मैं कुछ आर्टिकल्स ऐसे लिख रहा हूँ जिससे जिस जर्नी से मैं गुजरा हूँ वो जर्नी में काफी मुश्किलें थी। मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एक फेवर चाहिए था मुझे आपसे। सो द फेवर इज लाइक कि सिंस यू वर प्रिपेयरिंग यूपीएससी बीइंग अ फुल टाइमर, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उन एस्पिरेंट्स को एक मैसेज दें जो फुल टाइमर्स हैं जो प्रिपेयर करना चाहते हैं इन मराठी। पहली वर्ष मुझे परीक्षा थोड़ी कठिन है आणि थोड़ी स्पर्धात्मक आहे, त्यामुळे बरेचदा वाटू शकतं की मला हे नाही जमणार, पण तेव्हा खरं तर गरज आहे तुम्हाला तुमचीच की तुम्ही स्वतःला असं सांगाल की नाही मी हे करू शकतो। आणि राईट वे मध्ये जर तुम्ही ह्या एग्जामचं अनालिसिस केलं आणि थोडं विचार केला की कसं इम्प्रूव्ह झालं पाहिजे, डिमांड कसं ऍड्रेस झालं पाहिजे, तर नक्कीच ही गोष्ट शक्य आहे आणि मी स्वतः ही गोष्ट करून पाहिली आहे आणि त्याचा फायदा मला झाला। सो तुम्ही नक्कीच हे करू शकता आणि कुठेही निराश व्हायची गरज नाही, कारण का हे जरी नाही जमलं तरी असे बरेच ऑप्शन्स तुमच्या समोर आहेत जिथे तुम्ही एक्सेल करू शकता आणि पुढे जाऊ शकता। सो मला असं वाटतं की निराश होऊ नका आणि तयारी करत राहा, आणि जर तुमची तयारी एका योग्य दिशेने असेल तर तुम्हाला यश नक्कीच मिळेल। Great. Thank you so much, Rohan, for ये वाला request accept करने के लिए। एक और bonus request है। Would you like to tell all the Marathi aspirants in Marathi about Sajal sir's dedication in this journey for you? What was the role of Sajal sir? कैसे civil Delhi ने help किया? सजल सर यांचं गायडन्स मला खूप उपयोगाचं होतं आणि त्यात एक प्रमुख गोष्ट अशी आहे की सजल सरांचं शिक्षण ते पुण्यात झालंय, त्यामुळे जे प्रॉब्लेम्स और जे पुण्यातले ऍस्पिरंट असतील किंवा पुण्यात काही शिक्षणाच्या कारणासाठी जे मुलं आले
सो त्यांचं जे काही एक लाईफ असतं त्याबद्दल सजन सर बऱ्यापैकी चांगलं जाणून आहे, आणि मला तर नेहमी असं एक सिनियर सारखंच वाटलं की आपले सिनियर आहेत आणि ते आपल्याला गाईड करतायत. सो ते खूप असं फ्रेंडली मैत्रीचं असं नातं होतं. आणि तुमचं तुम्हाला पेपर तुमचे आन्सर्स हे तर अनालिसिस करून सर देतातच, पण ओव्हरऑल एक पर्स्पेक्टिव्ह सरांनी दिला. आणि मला असं वाटतं की जो जो पर्स्पेक्टिव्ह असतो तो तुम्हाला ह्या परीक्षा आणि सगळ्या नंतर सुद्धा खूप उपयोगाचा असतो, आणि त्यासाठी मला असं वाटतं की सजल सरांचा खूप आभार, आणि सजल सरांचा फायदा नक्कीच तुम्हाला सुद्धा होऊ शकतो. ग्रेट, थँक्यू सो मच. बहुत ज्यादा कुछ मुझे समझ में नहीं आया लेकिन हाँ, इनफैक्ट वी हैव गॉट मराठी फैकल्टीज हियर और उनको बहुत अच्छा लगता है जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एनीबडी हु हेल्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड स्पीक अबाउट मराठी. मुझे बहुत अच्छा लगता है रीजनल लैंग्वेज में अगर आप अपना मैसेज पहुंचा रहे हो. सो आई थिंक पीपल कनेक्ट टू ईच अदर. थैंक यू सो मच रोहन वंस अगेन. आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग एंड वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दीज एस्पिरेंट कि कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, मेंस है, जो लोग प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए हैं, एनी मैसेज फ्रॉम योर एंड? सर इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डील विद द फेलियर एंड इट इज वेरी मच डिफिकल्ट इन द केस वेयर यू डोंट फाइंड एनी कोरिलेशन बिटवीन द रिजल्ट एंड द एफर्ट्स दैट यू गिव. सो इट्स क्वाइट डिसहार्टनिंग आल्सो. सो आई वेंट थ्रू दिस एंड the only message which I'll give to the fellow aspirants who couldn't crack this exam this time is, sir, I think they need to invest some more time in the assessment of their attempt, previous attempt. Second thing is, ye exam aise final destination wala kuch cheez nahi hai. Iske alawa bhi kaafi cheeze hai jo aap explore kar sakte ho aur usme excel kar sakte ho. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जिनके अटेम्प्ट थोड़े ज्यादा हुए हैं, तीन चार अटेम्प्ट देने के बाद वो फेलियर फेस कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको एक प्लान बी के बारे में भी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए. क्योंकि आई ऑलवेज फील दैट दिस प्लान बी इज लाइक अ पैराशूट. वेन एवर यू फील दैट यू मे हिट ग्राउंड वेरी हार्ड, यू हैव टू प्लग दैट पैराशूट आउट. सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ऐसा नहीं है कि पैराशूट आप ओपन करे बिफोर इवन जंपिंग, बट एटलीस्ट यू मस्ट गिव अ थॉट अबाउट इट. मे बी द पोस्ट ग्रेजुएशन आप अगर परस्यू करते हो या कोई ऐसे रेलेवेंट कोर्सेज परस्यू करते हो जो आपको एक एम्प्लॉयबिलिटी दे, तो वो उसकी मदद तो आपको होगी ही. और उसका एक और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऐसा होगा कि आपका जो अटेम्प्ट होगा वो आप बिना पूरे एनर्जी जो है वो आपको पढ़ाई में आप लगा सकते हो, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वो एक माइंड बैक ऑफ द माइंड वो क्लैरिटी रहेगा कि अगर ये नहीं होता है तो दूसरी जगह ऑलरेडी मेरे लिए रेडी है जहाँ पे मैं एक्सेल कर सकता हूँ. सो दैट अगेन गिव्स यू कॉन्फिडेंस. ये मुझे तो फायदा हुआ है इसका, एंड काफी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट फेज तो है, सबके लिए होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उम्मीद थोड़ी रखते हो और जैसे एक कहावत है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की रात बट शाम ही तो है. तो मुझे लगता है कि वो शाम हर एक एस्पिरेंट के पेज से जाएगी और वापस सुबह लौट आएगी जब आप राइट वे से असेस करोगे और दोबारा देने की एक उम्मीद आप खुद को बताओगे कि है उम्मीद, तब मुझे लगता है कि आप आगे जाके सक्सेस कर सकते हैं. ग्रेट, अमेजिंग यार, मजा आ गया बात करके आपसे. एंड द मैसेज द mentorship angle you have actually, क्योंकि it's coming straight away from the failures, from the learnings from the failures, from the learnings from the mistakes. एक bonus सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, because ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो कहीं ये हम experience से ही सीखे हैं. गुलजार साहब की एक बहुत अच्छी नज्म थी, उन्होंने कहा था कि क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा. तो ये तजुर्बा ही आपका बोल रहा है. एक सवाल मेरा ये था, रोहन कदम 2017 में और रोहन कदम 2022 में क्या फर्क महसूस लगता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको?
मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी, जैसे आपने राइटली कहा कि तजुर्बा, अगर तजुर्बा जो एक्सपीरियंसेस है वो इसको कलेक्टिवली अगर किसी को प्रेजेंट करे तो दैट इज समथिंग व्हाट योर पर्सनालिटी, दिस इज माय जेन्युइन ओपिनियन अबाउट पर्सनालिटी। सो तजुर्बे के साथ तो पर्सनालिटी ग्रूम होती है, काफी फेलियर से, फेलियर का भी एक अनोखा तजुर्बा होता है और सक्सेस का भी एक अनोखा तजुर्बा होता है। जब आप दोनों में कुछ कॉमनैलिटीज और आपको ऐसी चीजें देखते हो जो आप आपकी पर्सनैलिटी को, पर्सनैलिटी आप उसमें देखते हो, जैसे आप तजुर्बे के साथ सीखते हो कि परसिवरेंस चाहिए, थोड़ा हार्डवर्क चाहिए। मैंने पिछले अटेम्प्ट में काफी कम हार्डवर्क किया था, इस बार मैं ज्यादा हार्डवर्क करता हूँ, तो इनहेरेंटली वो आपका पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी हो जाता है, वो हार्डवर्किंग, वो परसिवरेंस, वो वैल्यू स्ट्रक्चर में आपके आ जाता है। सो दिस इज वॉट आई थिंक जो 2017 में, 2021 में काफी चेंज है। 2017 में काफी माकूल या कैसे काफी इमैच्योर सा थॉट रहा होगा मेरा, काफी जैसे काफी ज्यादा लोग, काफी ज्यादा चीजों पे मेरे थॉट्स पर्सपेक्टिव फॉर्म नहीं होंगे जो अभी है, जिसकी वजह से मैं शायद जज, मतलब कोई डिसीजन मेकिंग में मुझे काफी आसानी हो सकती है, ऐसे मुझे लग रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो जर्नी है वो मेरी कंटिन्यू और होती जाएगी, तजुर्बा और बढ़ते जाएगा और पर्सनैलिटी भी शायद डेवलप और होती रहेगी आमीन, ऐसा ही होगा। सर।